यहाँ आए हैं और आपके आने के पहले जो दर्शक थे बड़ी तारीफ कर रहे थे, और कुछ दर्शक ऐसे हैं जिन्होंने बोला तीन बार नहीं चार बार फिल्म दे चुके हैं अभी। अरे वाह, मैं सबसे पहले तो मेरे पूरे भोजपुरिया परिवार को और मेरे भगवान स्वरूप मेरे भोजपुरी जनता जनार्दन को तहे दिल से प्रदीप पांडे चिंटू की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम और सलाम है। और अभी जैसा कि मैं बात सुन रहा हूँ तो आज मैं यहाँ सुपर प्लाजा सिनेमा मुंबई में आया हुआ हूँ थिएटर में फिल्म देखने अपनी चिंटू की दुल्हनिया, जिसने इस साल की सबसे बड़ी ओपनिंग मारी है। सबसे बड़ी ओपनिंग के साथ एक शुभ शुरुआत की है, भोजपुरी को शुभ संकेत दिया है, शुभ गुड न्यूज़ भी दिया है। और जैसा कि भाई आप बता रहे हैं कि लोग तीन तीन चार चार बार देख रहे हैं, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है मेरे लिए, और चिंटू की दुल्हनिया से जुड़े हुए जितने भी हमारे टीम के लोग हैं सबके लिए, और साथ ही साथ हमारे भोजपुरी के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी। सर, मैं कुछ दिन पहले भी आया था यहाँ, तभी सूर्यवंशम लगा था, रजनीश मिश्रा जी की फिल्म थी, मैंने वो ऑडियंस को देखा, इस ऑडियंस से भी मेरी बात हुई है। मुझे ये दिखा कि आपके लिए जो दर्शक है वो काफी प्रेम कर रहे हैं, बहुत आप चहेते हैं जो वो आपके अंदर एक सुपरस्टार और डुपरस्टार की एक छवि देख रहे हैं। सर, क्या कुछ कारण है जरा बताएं। मैं क्या करूं, मेरे पास इस बात के लिए कोई शब्द नहीं है। मैं बस आभारी हूं, एहसानमंद हूं। मैं मेरे उन सभी जनता का, उन सभी मेरे परिवार का, मैं मेरे परिवार है, मेरा 40 करोड़ भोजपुरी परिवार है, और मैं ताउम्र मैं आभारी रहूंगा। अभिनंदन करता हूं कि आपने अपने बच्चे, आपने अपने भाई दोस्त को इस लायक बनाया है, यहाँ तक पहुँचाया है। आप, मैं चाहूँगा कि चिंटू को ऐसे ही आप सब अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखें। मेरा सिर्फ हमेशा एक ही मकसद होता है, चाहे वो मैं कहीं पर भी रहूँ या किसी के भी बारे में मैं कोई भी बात बोलूँ, मेरा मकसद सिर्फ एक ही होता है कि कुछ भी हो, हमारा भोजपुरी सिनेमा फलना फूलना चाहिए। भोजपुरी सिनेमा से संबंधित जितने भी लोग हैं सबका घर परिवार चलना चाहिए, साथ ही साथ हमारे भोजपुरी से संबंधित जितने भी लोग हैं, चाहे वो मेरी 40 करोड़ जनसंख्या हमारी भोजपुरी की जो है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिंदुस्तान के और देश विदेश के जिस भी कोने में जो भी कोई है, सब कोई फलता फूलता रहे, सबका परिवार बना रहे, और भोजपुरी सिनेमा के प्रति सबको ईमानदारी दिखाए और भोजपुरी सिनेमा से प्यार करे, कि ताकि जब सिनेमा पड़ेगा, सिनेमा आगे बढ़ेगा, तो हमारा भाषा और बढ़ेगा, भाषा के लोग और बढ़ेंगे, हम सभी और बढ़ेंगे। सर, मैं एक और जानकारी आपको देता हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे भोजपुरी कलाकारों के और भोजपुरी न्यूज कवर करता हूँ। जी, जो कृष्ण भगवान का जन्मदिन था जी, उस दिन जी जो है आपका इंतजार जो है लोग 6 बजे से, मीडिया की बात करूँ सर, आप 9:30 बजे के लगभग आए थे, 6 बजे से लोग खड़े थे, पब्लिक खड़ी थी, और मुझे लग रही थी शायद पब्लिक चल जाएगी, मेरी अपनी सोच है कि मैं लगी पब्लिक चल जाएगी, लेकिन 9:30 बजे के लगभग जब आए पूरा का पूरा क्राउड तब से लेके 6 बजे से लेके 9 बजे तक आपका इंतजार कर रहे थे, और इस तरह से आपको छूने के लिए वो बेकाबू हो रहे थे। आपने बोला भी, आपने वहां से अनाउंस भी किया था कि बेकाबू मत होइए, प्यार बनाए रहिए। तो ये इतना अपार प्रेम जो है भोजपुरी में आपको मिल रहा है, चाहे वो यूपी की बात करें, चाहे बिहार की बात करें, चाहे मुंबई की, किस तरह से देखते हैं सर इसे? ये वरदान है मेरे लिए, जो मेरे जो परिवार का है जो प्यार है ना, ये मुझे लगता है कि मेरे लिए वरदान है, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ये प्यार मिल रहा है, और लोगों ने इतना प्यार दिया है इस चिंटू को। मैं उस प्यार के बदौलत ही उसी बदौलत मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस आता है कि मैं अपनी फिल्म को, अपनी भाषा की फिल्म को और आगे लेकर जाऊं और देश विदेश के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे लेकर जाऊं। जैसा कि मैंने अभी इस साल भोजपुरी की पहली फिल्म जो कांस फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीन हुई, जिसके रेड कारपेट पर मैं पहली बार चला, तो वो जो कॉन्फिडेंस जो वहाँ तक जो मुझे लेकर गया, वो मेरे लोगों का प्यार है, मेरे जनता का प्यार है, मेरे भगवान स्वरूप भोजपुरिया दर्शकों का ये प्यार है। वरना मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ, बहुत छोटा सा लड़का हूँ, मुझे लगता है कि मेरी इतनी औकात है, मैं कुछ भी नहीं हूँ मेरे जनता के सामने, उनके प्यार के सामने, और मैं एहसानमंद रहूँगा, ताउम्र मैं आभारी हूँ, मेरा हमेशा सर उनके चरणों में ही रहेगा। और जिनकी बात आप कर रहे हैं, मैं चूँकि काफ़ी दही हंडी पे जाना था, तो सब जगह जाते आते फिर वहाँ पहुँचा था, और लोगों ने वहाँ पर इतना ज़्यादा प्यार दिया, मैं उन सभी का मैं बहुत बहुत तहे दिल से आभारी हूँ। और मैं यही चाहता हूँ कि बस ये जो एकता है ना, ये बना रहे, ये प्यार बना रहे, जितने भी भोजपुरी वर्ग हैं उन सब में ये जुड़ाव, ये एकता बनी रहे, सब आपस में मिलजुल कर रहे, और
अच्छी अच्छी फिल्में लाएं कि ताकि हमारे भाषा का और भोजपुरी का और विस्तार हो। आज भोजपुरी लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है, ये और आगे बढ़े और हम लोग बहुत जल्द अब 100 करोड़ के क्लब में आएँ तो भोजपुरी का हमारे अब कुछ बड़ा नाम होगा और बढ़िया हम लोग करना चाहें तो सब लोग मिलजुल कर बस अब उस तरह पर फोकस करना है। बाकी विवाद और बाकी चीज़ों से हट कर अब हमको दिमाग लगाना है कि हमारी भोजपुरी सिनेमा को, भोजपुरी फिल्म को हमको 100 करोड़ तक कैसे लेके जाना है, उस पर विशेष रूप से ध्यान देना है। जी कॉमेडी और हॉरर में देखा जाए काफ़ी फिल्में सुपर हिट हुई है जी, आप भूत प्रेत पे कितना विश्वास करते हैं? करता तो हूँ, हमारे तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश बिहार के 90% लोग तो करते ही हैं, उसमें से मैं भी एक हूँ जो मैं बिल्कुल विश्वास करता हूँ और उसी विश्वास के बलबूते पर ही मैंने इस स्क्रिप्ट को हाँ बोला था। और बहुत ही कमाल की जिन लोगों ने फिल्म देख ली है उन्हें फिल्म कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं आप सब, और जिन्होंने फिल्म नहीं देखी वो जाकर ज़रूर देखें, आपको बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि ये जो भूत है ना ये डरावना नहीं है, ये भूत डरावना तो है लेकिन उससे ज़्यादा ये आपको इतना हंसा देगा, इसके सीक्वेंसेस इसके सीन इतने ह्यूमरस है कि आप सबको बहुत मज़ा आने वाला है। जी बहुत मज़ा आया, मतलब प्रमोद माउथो जी को हम बचपन से देखते आए हैं हम सभी लोग, जिनको बड़ी बड़ी हिंदी फिल्मों में दिलवाले हो, कई सारे बड़े बड़े स्टार्स के साथ, अजय देवगन सर के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ हमने देखा है उनको, और फिर उनके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा था, उनके साथ कैमरे के सामने परफॉर्म करना एक अलग फील था, मज़ा आ रहा था। और आज भी वो इतने एनर्जेटिक हैं, इतने कमाल के साथ, इतने कॉन्सेंट्रेशन और इतने ही ईमानदारी के साथ अपना परफॉर्मेंस करते हैं, वो फोकस रहते हैं, तो मैंने उनसे वो चीज़ सीखा और बहुत मज़ा आया। वो दादा पोता का जो केमिस्ट्री है ना, जो आपको ऑन स्क्रीन देखने को मिलेगा वो ऑफ स्क्रीन भी उतनी लाजवाब थी, हम लोग उतनी हंसी मजाक करते थे और वो बोलते थे कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं भोजपुरी के लिए, आपका बहुत नाम सुनते हैं अच्छा लगता है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने। हाँ यामिनी जी इस वक्त लखनऊ में है, वो थोड़ा सा उनकी तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि जल्दी से ठीक हो जाए हमारी शेरनी और फिर से आगे दहाड़े। ये जो चिंटू अपनी दुल्हनिया को लोगों के सामने इतना अच्छे से लेकर आया है, लोग पसंद कर रहे हैं, बड़ी तादाद में लोग पसंद कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात। सिनेमा जो है ग्रैंड रोड सुपर सिनेमा में लगा हुआ है, क्या कुछ पहले उसके बारे में बताइए, क्या कुछ बोलना चाहेंगे, पब्लिक का आभार प्रेम मिल रहा है। सबसे पहले तो आप सभी को प्रणाम। जी हाँ, मैं हूँ डायरेक्टर चंदन सिंह और बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस पहलू को जो आज मैं वास्तविकता को देख रहा हूँ, ये मेरे मित्र मुकेश चौहान जो कि इस फिल्म को प्रोड्यूस किए हैं और मैं, हम दोनों साथ में बहुत मेहनत किए और उसका परिणाम ये आज आप लोगों के सामने है। आप लोगों ने जो 2 दिन में प्यार दिखाया है अनबिलीवेबल, मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा है कि मतलब बहुत सारी फिल्में लग रही हैं, बहुत सारी फिल्में चल रही हैं जो 24 दिनों में जिनके कोई कलेक्शन नहीं है, 2 दिन में मात्र आप लोगों ने इतना प्यार दिया है इस फिल्म का, 2 दिन का कलेक्शन बहुत तगड़ा और बहुत सारा प्यार मिल रहा है। मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ, मैं जिस सिनेमा का रिपोर्ट ले रहा हूँ, हर सिनेमा हॉल हाउसफुल का बोर्ड और आप लोग का बहुत प्यार से मैं बहुत खुश हूँ।